विश्व विख्यात परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने भक्तों को संदेश देते हुए बताया कि ये मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, एक दिन इसको छोड़ देना पड़ेगा। मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए तरसते रहते हैं। देवताओं के अंदर वो रास्ता नहीं है जो आपके अंदर है, मुक्ति मोक्ष का, जीवात्मा के कल्याण का, इसको घर पहुँचाने का। तो आप किसी ऐसे नशे का सेवन ना करो जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और समय आपका निश्चित है। सांसों की पूंजी गिन करके खर्चा करने के लिए मिली है, खर्च होते ही शरीर को छोड़ देना पड़ेगा। देखो, आप को सत्संगों में सुनाया गया और बराबर बताता आ रहा हूं, गुरु महाराज भी ये बता रहे थे कि ये मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, एक दिन इसको छोड़ देना पड़ेगा और दुनिया दुनिया की ये चीजें सब छोड़ देनी पड़ेंगी। कितना भी घर बना लो, रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, मान सम्मान बढ़ा लो, लेकिन ये कोई चीज आखिरी वक्त पर काम आने वाली नहीं होगी। और ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए तरसते रहते हैं। देवताओं के शरीर के अंदर वो रास्ता नहीं है जो आपके अंदर है, मुक्ति मोक्ष का, जीवात्मा के कल्याण का, इसको घर पहुंचाने का। तो इस शरीर को आप पाक साफ रखो, साफ सुथरा रखो, इसके अंदर किसी भी पशु पक्षी का मुर्दा मांस मत डालो, मछली अंडा मत डालो, ऐसे नशे का कोई सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। और समय आपका निश्चित है, सांसों की पूंजी आपको गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, खर्च होते ही शरीर को छोड़ देना पड़ेगा। तो इधर से थोड़ा लगाव ढीला करके एक घंटा सुबह शाम अपने आत्मा के कल्याण के लिए अन्य समझो कि लगो, तो अभी तक आपको आत्मा के कल्याण का रास्ता जो नए लोग आए हो नहीं मालूम था, अब बताऊंगा, वो नाम बताऊंगा कि जिसके जाप करने से आपको नामी मिलेंगे, जिनके मुंह से यह नाम निकलता है। और वो जब मिल जाएंगे तो ये गृहस्थी का काम जिसमें आप लगे रहते हो ये आसान हो जाएगा। दिन रात दौड़ते रहते हो, बरकत नहीं मिल पाती है, बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, बढ़ोतरी होने लगेगी। बहुत इलाज करा रहे हो और मर्ज नहीं जा रहा है, और जब नाम की कमाई करने लगोगे, सुमिरन ध्यान भजन जो आपको बताऊंगा वो करने लगोगे, तो उसमें आराम मिल जाएगा। और लगातार जब इसको करते रहोगे ठीक भी हो जाएगा। देखो, जो मौसम के बदलाव से या खाने पीने की बदपरहेजी से रोग होता है वो दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन जो कर्मों की वजह से बीमारी आती है, तकलीफ आती है, जब तक कर्म नहीं करते हैं तब तक वो सजा मिलती रहती है। कितना भी टॉनिक पी लो, कितना भी बढ़िया से बढ़िया दवा खा लो, लेकिन रोग नहीं जाता है, तकलीफ नहीं जाती है, तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। हर तरह से लोगों को फायदा है, इससे इस समय पर कलयुग में विशेष रूप से होने वाला है। तो कोई चीज जान लेने से नहीं होती है, करने से होती है। जैसा मैंने बताया कि बैठ बहुत मिल जाए, डॉक्टर बहुत मिल जाए, अच्छा दवा भी अच्छी दे दे, लेकिन करो ना, दवा खाओ ना, तो फायदा कैसे मालूम पड़ेगा। तो आपको जो बताने जा रहा हूं आप करना। देखो, इस वक्त पर ये प्रभु का भगवान जिनको कहते हैं, ये पांच नाम, ये धनी है, ये अपने अपने जगह के मालिक हैं, अपने अपने देश के, अपने अपने राज्य के ये मालिक हैं। तो इनका नाम मैं बताऊंगा आपको, पांच नाम, उसको आप याद कर लेना। अब आपको परहेज क्या करना रहेगा, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब जैसा बुद्धि नाशक नशे का सेवन मत करना, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिसके पीने से आदमी होश में नहीं रह जाता है, खाने से होश में नहीं रह जाता, ऐसे नशे का सेवन मत करना। और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, अभी तक जो किया हो उसके लिए उस मालिक से माफी मांग लो, कान पकड़ लो कि अब गलती नहीं करेंगे, तोबा कर लो जिसको कहते हैं, अब गलती मत करना।
ये तो करना परहेज और बाकी कोई परहेज नहीं है। आप हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी हजम कर सको रोज खाओ। ना आपको घर छोड़ना है, ना जमीन जायदाद छोड़नी है, ना बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है और उसी में से समय निकाल करके ध्यान भजन सुमिरन ये जो अभी मैं आपको समझाऊंगा बताऊंगा उसको कर लेना है।